सत श्री अकाल जी, प्रोपर वे यूट्यूब चैनल पर तुहाड़ा स्वागत है जी। अज की इस वीडियो दे विच असी देखांगे NTSC एग्जामीनेशन 2021 दे लई अप्लाई किवें करना है, किहड़े पोर्टल ते करना है जी। जेकर तुसी इस वीडियो नू देख लोगे तां किहड़ी डिटेल तुहानू बच्चे की चाहीदी है वह तुहानू पता लग जाएगी, तां जो तुसी अप्लाई करन तों पहलां सारी डिटेल तुहाडे कोल होवे ते तुसी अप्लाई आसानी नाल कर सको। पहलां देखदे हां जी लैटर डिपार्टमेंट का। ये लैटर है जी डिपार्टमेंट का, ये आ देखो लिखा है जिन्हें 55% है 55% रिजर्वेशन वाले वो एलीजिबल ने लिखा हुआ है सारा, तो जनरल कैटेगरी वास्ते 70%। सो जिन्हें बच्चे इस कंडीशन क्लीयर करते हैं उन्हों का अपना सारे बच्चों का अप्लाई करना, एक भी बच्चा अपना नहीं छड़ना, क्योंकि ये एग्जामीनेशन एक स्कॉलरशिप वास्ते तो हैगा ही है, अगे वास्ते फ्यूचर दे वास्ते बच्चों पता लग जाएगा जिहड़े वड्डे एग्जाम उहदे फ्यूचर दे विच आउणगे ते उहनां दा भी एक्सपीरियंस हुणू उहनां नूं हो जाएगा। सो प्लीज़ मैक्सीमम अप्लाई करना है बच्चों का जिन्ना हो सके, जिहड़े एलीजिबल हैगे ने कोई भी बच्चा नहीं छड़ना जिहड़ा इस कंडीशन नूं 55% रिजर्वेशन वाला ते जनरल कैटागरी वाला 70% नूं क्लीयर करदा, ठीक है। ये पूरा इहदे च लैटर च पूरी डिटेल लिखी हुई है जी, इस लैटर नूं तुसीं पढ़ लेना चंगी तरह ते बच्चों नाल शेयर कर लेना। ये पेपर बारे है, ठीक है जी। हुण देखते हैं इहदा तरीका की है जी अप्लाई करन दा। NTSC दे एग्जाम वास्ते ई पंजाब स्कूल पोर्टल ते अप्लाई होवेगा जी, ठीक है। स्टूडेंट दे विच जाना है स्कॉलरशिप दे विच NTSC रजिस्ट्रेशन, इत्थे क्लिक करना है। हुण इत्थे NTSC रजिस्ट्रेशन है, ये टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर NTSC है। ये जदों तुसी इत्थे रजिस्ट्रेशन करन तों बाद इत्थे आ जाएगा फिर सारा वो डाटा भी टोटल किन्ने बच्चे जो तुसी फाइनल सबमिट कर दोगे, उस तों बाद वो डिटेल सारी इत्थे आ जाएगी, तुसी प्रिंट कढ के रख सकते हो, क्योंकि बच्चों नूं इनफॉर्म भी करना हुंदा है एग्जाम तो पहला, बच्चों नूं तैयारी भी करवानी हुंदी है। सारे बच्चों की डिटेल अपने कोल होनी चाहिए जिन्हों का आपां अप्लाई कर रहे हैं, इत्थों आपां पूरी डिटेल कढ सकते हैं। तो अप्लाई किवें करना है, NTSC रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करो। हुण ये 10वीं क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th क्लास जिहड़ा सैक्शन तुसीं लैना है, ठीक है। मान लो पहला ए सैक्शन का अप्लाई करना है तो ए खोल लिया, इहदे विच्चों जिहड़ा बच्चा एलीजिबल हैगा उस बच्चे नूं तुसीं खोल लेना, ठीक है। तो उहदे वास्ते की कंडीशन, मैं एक बच्चा खोल के तुहानूं दिखा दिंदा। आ देखो कुछ डिटेल इहदी पहलां भरी हुई है, सारी डिटेल पहलां भरी है, अपने आप ई पंजाब तो चक लैंदा। हुण जिहड़ी चीज़ आपां भरनी है, स्टूडेंट एरिया अरबन है और रूरल है, ठीक है। जिहड़ा मर्जी सिलेक्ट करो, जिहड़ा है जिस एरिए नाल संबंध रखता है बच्चा, ठीक है। ईमेल ID अपने आप चक लेगा। हुण 9वीं क्लास के टोटल नंबर किन्ने ने, किन्ने नंबर उन्हें प्राप्त करे ने, किन्ने विचों प्राप्त करे ने, वो इत्थे भरने ने, ठीक है। पहला तो अपने को मार्क्स होने चाहिए ने, उस तो बाद ये बच्चे तो आप पूछना है फादर की एजुकेशन किन्नी है, ठीक है। जो भी एजुकेशन हैगी है, सैकेंडरी है, जो हैगी है वो आप, उस तो बाद मदर की, ठीक है। फादर का काम की है, जिहड़ा भी काम हैगा वह डिटेल अपने को होनी चाहिए है, वह आप इत्थे भर देंगे, ठीक है। उस तों बाद फैमिली दे मैंबर किन्ने ने, ठीक है। मान लो 5 मैंबर ने, ब्रदर किन्ने ने, मान लो 2 ब्रदर ने, ठीक है। सिस्टर किन्नियां ने, 1 सिस्टर है। तो कैंडीडेट की पोजिशन, ठीक है, पोजिशन का मीनिंग की है, एट वट नंबर इज कैंडीडेट इमंग हिज और हर ब्रदर एंड सिस्टर, भी किहड़े नंबर पर है। मान लो ये सारे तो वड्डा है तो यह पहले नंबर पर हो गया, ठीक है। पेरेंट्स एनुअल इनकम जिन्नी भी हैगी है वह भर देनी है। अगे है स्टूडेंट बिलोंग टू केंद्रीय और नवोदय विद्यालय, ये जे केंद्रीय नवोदय विद्यालय का बच्चा है तो यस करना, नहीं नो करना है, ठीक है। उस तो बाद आ सारी डिटेल ये अपने आप ही चक लूगा, ठीक है। ई पंजाब तो ही चक्की है ने, कोऑर्डिनेटर नेम, प्रिंसीपल सर का नंबर हो गया, जिवें मोबाइल नंबर, ID होगी, ठीक है। अगे स्कूल का एरिया किहड़ा है, ठीक है, रूरल या अर्बन, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना। उस तो बाद मीडियम ऑफ एग्जाम एट स्टेट लेवल, यानी कि पहली स्टेट का जो एग्जाम होगा वह किहड़ा मीडियम होगा, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सॉरी 2 ने, अंग्रेजी ते पंजाबी, इंग्लिश कर लो,
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੀ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 2021 ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।